मत लगावे। चार पांच किलो पानी और ले आया मेरे को भी, चम्मच मिला दियो मैंने। सोमलाल तीन तीन किलो पहले गिरे रहे, डेढ़ डेढ़ और बढ़ा दिया यू, तीन तीस के हिसाब से तीन किलो। अब भाई तीन किलो पौनी तीस के हिसाब से कै रुपया का होगा? बाबा तीन तीन नौ नब्बे रुपया को। नब्बे रुपया तो नब्बे रुपया की इनकम और होगी आज तय, ठीक है ना? हाँ जी। और यहाँ जो है ना रोज इनो की मिलाना अभी हो, इतने भात के पैसा को इंतजाम न हो जाएगा। ठीक है बाबा, कभी मोते पीछे न मिलावे ना, रोज मिलाऊंगा। बारह मत लिखाड़े यहाँ पूरा घेर मेरे को। एक कप का खराब न होवे या में होगा बाबा? हाँ या में मिला दियो। अच्छा बाबा जी पाम छुआ आराम से जी आराम से। मेरी वाह है साइकिल एटलस की, तेरी लटक सलम दी कारा की। दूध लाया बाखड़ी भैंस का, उधार हम देते नहीं काम रहता कैस का। अरे रुचि अरे दूध ले जा झट पैड। आजा रुचि हरो तुम भी एक घंटा लगा दो, एक घंटा सुरौल मचा रहा हूँ दूध को। दूध को तो मैं आ गई, पर मम्मी हरन तुम्हारे दूध की शिकायत कर रही, यूं कह रही तुम्हारा दूध दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। ए जो है ना हमारी भैंस का डेंगू बुखार होगा, तो भैंस बहुत कमजोर होगी वासु। अब तू ही बता, जब भैंस कमजोर होगी तो दूध कमजोर ना होगा। पर तुम चिंता मत करो, बाबा जो है ना भैंस को पिलाने खल्ली आए तो वाह खा खा कर भैंस उभर जाएगी, और जब भैंस उभरेगी तो दूध भी उभर जाएगा, है ना? अरे देख रहा हूँ मैं नहरो, मैं पिछले छह महीने से यही बात सुन रही हूँ। और एक दो महीने सुन ले तो हमारे भात आ रहा हूँ ना। काई को घचोल रहा है इन हाथन ने? दूध घपोल रहा हूँ बाबा। नु कह रहे जब काई दूध देख रहा तो खूब बढ़िया हाथ मार के देख रहा घपोल के। वासु जो है ना दूध मतलब दूध दही सब एक हो जा। हाथ भी धो लिए था ना? साफ रहे हाथ मेरे। का जाग रहा तुम्हारे घर में? मैं नू कह रहा हूँ, तू वादे नू ना कह रही थारी मौसी की लौंडी आएगी हंच के रहने को, तो आई ना? ना अभी तो नहीं, तू क्यों पूछ रहा हो? पर है मैं तो यार बूझ रहा हूँ, परसों जब तेरी मम्मी दूध ले रही ना हंच के, तो वे तेरी मौसी जी इनसे बतला रही, तो तेरी मौसी उनसे नू कह रही कि दीदी लौंडिया शानी हो रही है, कोई लौंडा हो था रहेंगे तो बताइयो ब्याह को, तो तेरी मौसी लौंडा ढूंढ रही है या मारे? हाँ ढूंढ रही है। तो कहा मैंने अपने बाबा जा बताई बात, मन की बाबा रुचिहर की मौसी की जो लौंडिया शानी हो रही है, तो वे बेचारी अपनी लौंडिया को लौंडा ढूंढ रही है। तो बाबा फिर नू कह लगा, तो वाम कहा हमारी गोत नौत तो भेड़ी नौरी, हम ले लेंगे रिश्ता था। ओह
कैसा बना सहजादा, शकल देखिए तेने अपनी फटीचर से, और तेने अपने बाबा को कुर्ता देखो, दोनों बगलन में सु फटा रहे हुए, वो तो तुम पे सिलोना जा रहा, तुम करोगे भैया। और तो पता वहाँ पे कौन सा फोन है? कौन सा? आईफोन 13 है वहाँ पे। और तू दिखाइयो तो पे कौन सा? मो पे तो यू है। अरे रुच बेटा थोड़ा सा दूध फालतू ले लीजिए तन, आ तेरी मौसी की लौंडिया कह रही आने को। ठीक है पापा, ला पावर दूध और गेर दे हमें। दूध ना फालतू, और जिगर सप्लाई करनी पड़े हैं हमें। तेरी मौसी की लौंडिया ना हुआ रही है, मो मालनी चल के जाको दूध चाहिए। देख कैसा बन रहा। अच्छा बनेंगे, हमारा दूध ना दे तो, और अपनी मम्मी से कह दियो हमारे पिछले महीने के पैसा ने दे देगी। बड्डा फोन लेके दिखाऊंगा देख तू अब। हाँ पानी के दूध दे के चल दो, पैसन के मारे देखो कैसे टाइम पे आ जा। और पानी बेचूंगा अभी तो देखियो तू, तो मैं निरा पानी पियाऊंगा, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी गेर के ला करूंगा। रात मेरे पथरी का दर्द उठ गया, तो डॉक्टर ने जो है बियर पीनी बताई है, पहले ही बता रहा हूँ कभी बाद में ही जिकन धोके। अंशु बेटा या तो न्यू कह दे, अगर अपने हाथ पांव सही सलामत चाह रहा ना तो मुंह तो पी के घर में न बढ़े। देख ले बुढ़िया, बुढ़ापा आ गो पर अकल आज तक न आई है। आ बुढ़े तो मैं तो बहुत अकल है ना, बजा बेटा तू बजा। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। राम राम जी, राम राम जी। रही तो रुचि हर की मौसी लौंडी आ रही दिखे, यहाँ बैठाऊंगा। राम राम जी। राम राम जी। तुम तो रुचि हर की मौसी की लौंडिया दिखाओ ना। हाँ ठीक पहचाना। तो पैदल कैसे, गाड़ी कौन थारी खराब होगी का? गाड़ी गाड़ी कहाँ है, मैं तो बस से आती हूँ, बस वाले ने सिकंदराबाद उतारा, वहाँ से रेडा लिया, रेडा से मैं मंडपा वाले पुल पर उतरी, फिर वो कहने लगा कि मैं तो सालेपुर और धोले की सवारी उतार कर सीधा तिल जाऊंगा, इसलिए मैं पैदल आ रही हूँ। अच्छा हमारे पैदल खिचड़ रही हो तुम, देख लो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं छोड़ दूंगा।
नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो जी राजी है थारी, हम तो नौजिद कर रहे। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो छोड़ देना। एंजी तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? नहीं बुरा नहीं मानूंगी, पूछो। मैं नु पूछना चाह रहा हूँ जी, तुम मालदार घर से हो या बीच कैसे मीडियम परिवार से हो या फिर गरीब गुरबा हो? अच्छा मुझे देखकर क्या लगता है, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ? मो देखो जी, जैसे तुम बस में धक्का खाती डोलो तो वासु तुम वो ऐसा लग रही है जैसे तुम्हारा हल्का ही राग है, पर थारे हाथ में अगर ये फोन देखूं आईफोन के तो ऐसा लग रही यार तुम मालदार घर से हो। अच्छा ये फोन तो मुझे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट मिला? किसने दिया गिफ्ट? ये तो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। बॉयफ्रेंड ने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ जी है, क्यों पूछ रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज को। चलो बैठो, अब छोड़नी तो पड़ोगी जब थाली तो। तारी डोले लौंडा ढूंढती, ये एप्पल को फोन की फट में ले रही है। जमाना ही खराब चल रहा भैया, ऐसी तो बढ़िया तो छिकी जावे। बताओ जी आजकल लकीन का कते लिहाज शर्म ना हो, सेटिंग करती डोले। क्या 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 सेटिंग? सेटिंग ना जी सेटरिंग, हमारे घर में काम चल रहा, मिस्त्री ना मिल रहा सेटिंग वाला। कैसी बन रही है, महतारी डोले लौंडा ढूंढती, आप पहले ही एप्पल को फोन मुंह दिखाई में लिए पड़ी है। उतर जाओ जी। रुक जाओ, ये मेरी चुन्नी फंस गई इसमें। अरे रुचि दे आगे थारा आईफोन तेहर उतार ले। अरे परी तू आ गई ना? अभी काय को आई, अभी तो हसनपुर के पुल पे दी देन ने खोल के देख ले इन्हें। थोड़ा बोल ले तू, तू यहाँ की गैल क्यों आई रही? या के हेलीकॉप्टर का तेल नहीं मटको या माराई? टांगे वाले ने मुझे मंडपा के पुल पे उतार दिया था और वहां से कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए मैं इसके साथ बैठ कर आ गई। अरे तो पागल, मेरे धोरा फोन कर देती तू यहाँ ढोर के गैल क्यों आई? वो फोन में रिचार्ज नहीं था। एंजी और जो तुम कहो तो 20 रुपया कूपन में घेर दू थार फोन में। ओ रहीस थोड़ा बोल ले तू, 20 रुपया में ना अपने बाबा के कुर्ता सिलवा ले जाके यहाँ से। हम तो सिलवा लेंगे अपने बाबा कुर्ता, पर अपने मौसातन अलर्ट कर दीजो, ये कुर्ता फटवाएगी एक दिन उनको। ए तू चला जाएगा या पिटेगा ही मुंह पे? अपने घर के सामने तो चैटी भी शेर बने, इतनी बड़ी धब्बा लेना तू हमारे घर के सामने बोल के दिखाइयो। ऐसा थोड़ी जाएगा, तू रुक जा अभी। कमजोर समझ रही है? आजा आजा तो आजा, दमे तो मार, भगवान का समय एक किट में तेरी खोपड़ी ना फोड़ दूँ देख मैं भी। अजी हम मैं फोड़ देगा खोपड़ी, हराम जादे एक लपड़ में तो अमेरिका पहुंचा दूंगी। अच्छा जी अमेरिका पहुंचा देगी तो लपड़ थोड़ी हो रहा है ना उसका जादू हाथ है। कम बोलना थोड़ा, तो मैं बोलने की तमीज तो है ना बिल्कुल भी, यू ही सिखाया तुम्हारे बाबा हमने तुम्हें। तो बहुत शिक्षा दिया भाई तेरे घर के ना, बहुत अच्छा बोल लिया तू है, लेकर लट्ठे खड़ी है नू समझ रही है तू, बहुत बड़ी धबा ले तू। चल थोड़ी बोल ले तू, तू भी थोड़ा कम बोल ले, ज्यादा बन रहा है। नहीं मत बोल ले, इतनी रही सुना, इतनी रही सा तो हमारे दूध का पैसा दे, दूध का पैसा दे, दूध का पैसा। तेरा मार दियो ना खींच के मैंने। यार ले जा, नहीं भगवान का सब निपटा दूंगा, ले जा तेरा मौसा नू कहेगा हमारी जान तो मार दी। और तू दूध के पैसे को इतना ही खरा बनना है ना, देख छोड़े आएंगे तू, इतने बड़े फोन है लेके दिखा दे, बन रहा ज्यादा साफ ज्यादा, यहाँ खरीदने में ना तू तेरा बाबर तुम्हारी सारी जायदाद बिक जाएगी। बताओ हमें रही से नहीं खरीद कर दिखा देंगे। बताओ हमें तेरी कैसी रही से, कंचा चोर, कंचा चुरा चुरा कर तेने सारा मोहल्ले कंचा चुराए तेने, हम पता थोड़ी थारी। आजा चली जा, बताओ हमें तेरी रही। अरे छोड़ यार, हरामजादे बहुत दिन हो गए देखते देखते, आज ये सुधार दूं मैं, पहले बता कौन से कंचा चुराए तेरे। आजा आजा भगवान का सब मार दूंगी, विद्यारानी का सब मैं डरता ना होगा, सुबह का दिन जाने डर जाएगा। मैं मम्मी कसम खा रही हूँ मैं मार दूंगी तो। मार मार मेरे तनक से, भगवान का सब विद्यारानी का सब अभी देंगे पड़ पड़ी दाब का। थोड़ा सा कम बोला, मैं यूं बता तेरे कौन से कंचा चुराए मैंने। 40 कंचा जा रहे हैं तो आज भी 40 कंचा जा रहे हैं बेईमान। उन्हें भूल गए तू, जब मैंने तो चाउमीन खवाई। फिर चाउमीन कहा उनकी बात कंचान में काय को रला रही है? अरे मेरे यार कैसा रौला दे रखो, तन मन सोन दोगे करनो, अभी तो नौकसी लगी यार, यो कतई कचरिया भेज रखी है।
ऐसे ही नाटक करना क्लास में, ठीक है ना? ठीक है ठीक है पापा, हम तो रिहर्सल कर रहे हैं। नाटक है जी अंकल जी। ले तो यार ले जाइयो अपने। हाँ बैटिंग का परी चल हम चल ले। नाटक का नाम अंकल जी कंचा चोर है। भेदपाल की आगे दीख है। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तू? हाँ जी। सब लोग दूध भी करवा दिया छोटी ने। एक तो इनकी मासिक लौंडिया बैठा के लाओ, सब लिम फैलाऊंगा। गांव में सेटिंग चल रही है एक मासिक लौंडिया की, देख सारे बदनामी करूंगा। कैसे थूथड़ी बिगाड़ रखी है, का होगा? कुछ ना बाबा, थारे मतलब की बात ना। मेरे मतलब की बात ना? अब बात भी मतलब और बेमतलब की होने लगी। मतलब बाबा जो बात मेरी गैल हुई है वो यार दोस्तन में बतलाई जा कर बाबान में नो। बेटा वो अपना जो ना दोस्ती समझ। बाबा ऐसी मैंने खूब चुटकुले और इंस्टाग्राम पर रील देख रखे हैं, वहां मैं बाबा पहलू ही कह रहे हैं वो दोस्त समझ और अपनी सारी बात बता दे, और आदमी सराफत में सारी बात बता दे फिर बाबा लोग वहां बजा कर रहे हैं। मैंने बता रहा सब झूठ है अफवाह, बता तुम, मैं तेरा दोस्ती हूँ, मैं ना मारने को। हाँ तो दोस्ती बन रहे हो तो पहले माँ की कसम खाओ, मतलब अपनी बहू की कसम खाओ। हाँ चल ठीक है, खाली कसम बता। यार श्यामू बिसंबरी की लौंडिया ने रुचि ने मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी कैसे? यार आज मैं दूध देने गया ना उनके हंच के, तो वाकई एक मौसी की लौंडिया के ब्याह की बात थी, बस वो ब्याह की बात छिड़ गई और फिर पता कहाँ कहाँ सुनाई। कहा कौन सा आईफोन तेरे वहां पे? भाई बेइज्जती तो हुई है, बेइज्जती तो हुई है, पर तेरी गलत बात ना हो। अपने बाबा को झूठो नाम लेकर तू जो ब्याह की बात चला रहा हो, और जबकि तेरे बाबा को कोई रोल ही नहीं है। अरे यार सोमुया में गलत कहा, मैंने कहा बस सुनी बिहार लड़ाई में सब कुछ जायज है, या मार ले लियो अपने बाबा का नाम। तू भी यार कैसी बात करे करे। सारी में तो अपने बाबा भी छेक रहो है। किस चक्कर में पड़ रहा हो श्यामू? यार हमारे बाबा की होड़ हो रही है, हमारा बाबा तो बहुत साथी रहे। तो एक बात बताऊं, उम्र हो रही है 86-87 और आज भी बाबा की कई सेटिंग। चुप लगाए खड़े, अपनी बात करते हूँ, बाबा का घसीट रहो बीच में। अब तू ही बता यार श्यामू कैसे करूँ फिर मैं। भाई देख बेइज्जती तो तेरी हुई है और तेरी ब्याह की ताल उलगन नहीं देगी। एक काम कर तो फिर, बाकी जो मौसी की लौंडिया है ना वहां पे जो फोन है तू वाते बड़ो फोन ले ले। हाँ यार श्यामू यही तो दिक्कत है, अभी हमारे घर के हालत ठीक ना चल रही, अब दूध के भी भाव गिर गए, दूध में भी ना बच रहा कुछ यार, और फिर हमारा भात आ रहा, ऐसे में तो बाबा एक रुपया भी ना देगा। ना देखो यू तो गलत है, घर में से पैसा लेने भी ना चाहिए। तो तू ही बता यार श्यामू कहाँ करूँ मैं। अब उई वाली बात है जा, तू अभी पहले ही बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले, लड़ाई में और ब्याह में सब जायज होवे। दुनिया अपनी बात रखाने के मारे जो है ना सोम दोम दंद भेद भाव सब लगावे। भाई वाह मेरे शेर शामू, तेने अपनी छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दियो। अब देखियो तेरा भाई शाम दाम दंड भेद भाव सब लगाएगा। वालोंडिया फोन कौन सो? आईफोन 13 है, तेरा ही भाई जो है ना अब आईफोन 14 लेकर दिखाएगा। कैसे कैसे श्यामू मेरे दोस्त, कुछ बातें बताई नहीं जाती, चुपचाप उन पे अमल करो जावे और काम करके जब दिखाया जावे कि मैंने क्या कर दिया। अभी तो बालक है, थोड़ा और बड़ा हो जा
पर यह बात की गारंटी है जब तेरा भाई कर देगा ना काम तो पता जरूर लग जाएगी। ठीक है बाबू, ख्याल रख अपना। ताप है, हुक्का भर लीजो और चद्दर ओढ़ ले, ठंड हो रही है। iPhone 14। Nope. कहाँ करेगा ही वो बेसो? या तो सलाह भी गलत दी दीख है। तो तू फंसो न गए हो आकर दोस्त बन के। या तो सेटिंग की भी पता हो सारी इनकी। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बलिया, हर मैदान फतेह। बाबा जी चलो झेड़ पेड़, मेरी होगी डॉक्टर से बात, आज थारी पथरी लिखवाई दूंगा। हाँ यू ठीक है, चल तेरी दादी तो बियर पीन न देवे, साल भर से बाट देख रहे हम तो क्या न जाने हामी भरी देवे, पर भैया पूरी पत्थर दिल है, बियर का हाथ भी न लगान दे रही है। चल बाबा, तब मैं तो वजन हो रहा दिन पे दिन। आहे को 16.5 किलो वजन है कुल। सही से करवा। देख ले कितना मेल इकल्ला है, 15 दिन से तुझसे कपड़े ना धुले, एक दिन में लग जा फिर इन्हें सफाई करवाने में साल भर की। तुझे पता ना मेरी तबीयत खराब चल रही है, गला ना देख रहा, बैठा पड़ा बोला भी ना जा रहा। तो गले से धुलेगी ना, हाथों से ही तो धुलती जाहिल जनानी। चल काम करवा जल्दी। और मेरे चाचा का फोन आया, परसों मैं पीआर जा रही हूँ अपने। क्यों क्या मसला? क्यों तुझे पता ना मेरे चाचा के लौंडा के निकाह परसों, बुलाया मुझको। बहन जाहिलों के नहा पे तुझे भेजने का दिल तो ना कर रहा मेरा, देख रही है तू, तुझ पे तो फोन कर दिया और मुझे एक दफा टोका भी ना। आदत बढ़िया ना तेरी, सबने देख लिया तुझे नाजिम के निकाह में, थोड़ी बहुत विदाई से काम थोड़ी चला है तेरा। देख ले बेकूफ जनानी, फिर बावली बात तो कर रही है तू। तू एक बात बतला मुझे, इंसान ब्याह शादी में जाता तो रुपए पैसे खर्च करके जाता, जिसमें कि मेरे संग चाचा श्यामलाल भी थे, राजमी भी था, क्या दिखला रहा तेरा ताऊ विदाई में पता तुझे? 50 रुपए दिखला रहा और उसमें भी जाहिल ये कह रहा तीनों बांट लियो। अच्छा ये उसकी है, मुझे तो जब अच्छा लगता जब ये कहता तीनों से 500 तूले 500 तूले 500 तूले, तब अच्छा वो। सारी जायदाद तेरे नाम ना कर देते। अब ये कमी है तेरे अंदर, तुझे अपने पियर वालों के सामने ना अपनी सौर की इज्जत की भी परवाह नहीं है जरा भी। अब कम बोल ले थोड़ा सा, मुझे 500 रुपए दे दे, पियर जाना मुझे। हाँ पैसे तो पेड़ पे लग रहे हैं, जिन्हें तोड़ के ला दूं तुझे फटाफट। बतेरा शैतानी दिमाग है तेरा, कर कैसे भी इंतजाम, मुझको ना पता, बना दे किसी को भी बकरा। अबे भैया खा लेगा क्या? ले आगा बकरा कटने के लिए, तू सुकला इसको। आजा भैया जुबेर, आजा बैठ भैया जुबेर, आजा। मैं जुबेर मैं तो याद कर रहा तुझे, बैठ। सुना क्या मसला? मसला तो कुछ ना भैये, पर हमारा काम होगा वो। बे काम की बात करिए तो बाद में यार जुबेर, पहले ये बतला पढ़ा तेरी जेब में कुबेर। ए भैया आज तो ना कुबेर। चल इसमें तो कोई बात ना, ना तो अब तू ये बतला मेरे घर पे आया यार, ऐसे तो जानना तू, ठंडा लेगा चाय? ए भैया चाय वाय तो छोड़ो, ठंडा ही मंगा लो। बे भैया देख चाय के लिए कहता तो एक दफा मैं सोच सकया, ठंडे का मिजाज तो मेरा है ना, पर तू एक काम कर, अपना दिल मत मारियो, तू रजेश की दुकान पर चला जा, अरे 2 लीटर की ठंडी शीशी है ना, पकड़ ले जा तेरे सारे और हम भी पी लेंगे। ना ना भैया खालिद रहन दे, तू चाय भी रहन दे ठंडा भी रहन दे। भाई तेरी मर्जी हर जुबेर, हमारा तो देखो यही रहता, हमारे दरवाजे पे कोई आए तो उसकी मेहमान नवाजी बड़ी तसल्ली पूर्वक हो जाए, तेरा ना दिल खर रहा तो इसमें क्या। ना ना भैया बहुत होगी तेरी मेहमान नवाजी, मैं तो अपने 5000 रुपये ले आया जो तुझ पे 1 साल से ज्यादा हो गया, आज दे दो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ले भाई रुखसाना सुन ले जरा, जुबेर कितने अच्छे टाइम पाया है, सबसे पहले पैसे आते जुबेर के ही काल ने, जुबेर ला 500 रुपये काल तू जरा फटाफट। 500 रुपये 500 रुपये क्यों?
बे भैया हमारे ससुर से आपको मुआवजा मिल रहा नए गोबा का। नए गोबा को मुआवजा मतलब? मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मुआवजा ना आ रहा नए ना बेटे का, वैसे ही हमारी ससुराल झंगीराबाद में आ रहा नए गोबे का। नया गोबा उसका आ रहा है इधर। अब ये लगा ले तू, झंगीराबाद से हाथरस होते हुए मेरठ तक समुन्द्र की खुदाई हो रही है बराबर। समुन्द्र की खुदाई क्यों? बैन पड़ जाहिल, समुन्द्र के पास में बीच ना बनेगा, उसी बीच पे तो विदेशी लोग अंग्रेज आकर आराम फरमाएंगे। बस बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा भैया। ए भैया खाली दी, ये खबर तो हमने कहीं सुनी ना। बै जाहिल तू सुनी कैसे लिएगा, चुपचाप चल रहा है सारा मसला। अगर ये बात बतला दी जाए कि समुन्द्र के साथ में बीच बनना, तो तुझ जैसे जाहिल तो अपनी इस मनुष्य शिकल को लेकर ना पहुंच जाएंगे। तौलिया लिपेट कर लू नाने के लिए जा रहा हूँ समुन्द्र पे। है पागल इंसान, कैसी बातों को बतला रहा मुझे ना। 500 रुपए निकाल, तुझे 500 कह रहे हैं हम दे। 500 रुपए तो मैं निकाल दूंगा, पर मुझे कब और कैसे देगा? ये वाला सवाल तेरा बाजी बजुबेर, ये पूछा तूने बेहतरीन सवाल आज का। भैया ऐसा है, रुखसाना के अब्बू को मिला है समुन्द्र में मुआवजा, और वो अपनी लौंडियाओं को 50,000 रुपए दे रहा सारियों को, तो इसको भी मिलेंगे जाहिर सी बात है। अब ये परसों जा रही है अपने पियर में, वहां से लाएगी 50,000। तू अपने इस मनुष्य कल को मुझे दिखलाई हो मत, सीधा इससे ही अपना हिसाब कर लियो जो अभी तेरे पैसे निकले है ना। नहीं काल अब तो निकाल। भाभी कब तक आ जाओगे आप मुआवजे का पैसे लेके? सही बतला रहा जाहिल, तुझे टाइम और रास्ता और ना बतला दे, कहां से लाएगी कब लाएगी, तो सारों को लूट ले तू। है दिमाग चल गया दीख है तेरा जाहिल, ला 500 रुपए निकाल। पूरी कानून बतला रहा ना बैठ के। अपने नापाक इरादे जरूर दिखलाने तुझे जाहिल। मैंने तुझसे बड़ा चालाक ना देखा इस दुनिया में। अरे रुखसाना जी एक ही कैसे लेगी, खुदा ने खालिद को एक ही बनाया, इस खालिद ने खुद रोकर भी दुनिया को हंसाया। मेरी तो पता ना किस मनुष्य घड़ी में निकाह हुआ, तुझसे पता ही ना कब छुटकारा मिलेगा। ए जाहिल जनानी, तेरे जाने से खालिद जरूर मुरझा जाएगा, लेकिन जहाँ भी लोगों के बीच में खालिद का जिक्र होगा लोगों का चेहरा खुशी से खिल जाएगा। तू क्या जाननी है, खालिद को पैसों से प्यार है, रुपा पैसा ना कमाया कभी भी खालिद ने, खालिद ने लोगों का प्यार कमाया और दुआएं कमाई हैं। ले पैसों को तू पकड़, मुझे पैसे चाहिए बिना। पल कहां गई मेरी? आराम से धचकी ना लगा। ओ, ओ। ए बाबा इतनी तो सहज सहज लाया हूँ। आराम से रोकी, आराम से। बाबा बेचारी भैंस भी पाम छुछुआ कह रही तमसु। अरे अब ना हो रही पाम छुछुआ कुछ भी। रुक जाओ मैं तारूंगा तुम्हें। आराम से यहाँ हाथ मत लगाइए। बैठ जाओ बाबा, ऐसे बैठने को मैंने ना करी डॉक्टर ने। रुक जाओ थारी दवा लिकाट दूं। ये तो सुबह खाली पेट की है बाबा, ये जब रोटी खाते रहोगे तो आधी रोटी खा लोगे ना, जब मतलब जैसे तुम 4 रोटी खाओ तो 2 रोटी खाने के बाद बीच में लेनी है, ये रात को सोते टाइम लेनी है। कहाँ आई हुई मैं? कुछ ना बाबा, फोन है छोटा सा। कितना छोटा दिखाइए। दिखा तो सही कैसा। यू है बाबा, बाबा ये फोन देखने में छोटा, वैसे कारनों में बहुत बड़े हैं यहाँ के। बड़े कारनों में? कितने बड़े कारनों में है यहाँ के? बाबा उसे रुचि की मौसी की लौंडिया फोन है ना, वो आईफोन तेरे यू हसु बड्डो। बड्डो आयु? अच्छा जी, कौन सा आयु? बाबा यू आईफोन 14 है और वाप आईफोन तेरे है, तो एक नंबर यू बड्डो। अच्छा जी, कृपया का रहे यू? यू बाबा जी जो ना जी, बाबा जी यू जी जो जी यू ना जी बाबा जी
यू जी 450 का आयो। अच्छा जी, बड़ो महंगो आ रही था, कहाँ आया मैं ऐसा? दिखा बाबा में कहाँ कहाँ खूबी है, देखो बाबा अभी देखियो। हे श्री, हमारे गांव का नाम कहाँ है? अंधेर। और दिखाओ बाबा एक कमाल और दिखाऊं। अरे श्री, मेरे बाबा श्यामलाल का नाम कहाँ है? श्यामलाल। भाई यू तो बहुत जोर की चीज है, तू यहाँ ही धर दे। अरे तो भूख लग रही है कि रोटी वोटी खाया तो जाएगा, मैं आता थोड़ी मनप्रीत की बतलाऊंगा। ठीक है बाबा जी। पर धरते इन दवाई ने उरक दे दिया। हे श्री, न्यू बताइयो तन रघुबीरी की हालत अब कैसी है? कोमा में है, अभी कोई सुधार नहीं है। अभी कोमा में ही है श्री बोन्जू? और बता तू, कई जो रघुबीरी है तेरे हिसाब से बचेगी या मर के फंद कटेगा आको? बुद्धे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं भगवान थोड़ी हूँ। सॉरी 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 श्री, तू तो छह होगी। चाचा किससे माफी मांग रहे हो यार? आजा खा ले, आजा तो बहुत जोर की चीज दिखाऊंगा आज। पेट क्या ले आए, क्या मसला आये? अब देख ध्यान तो सुनियो। हे श्री, मेरा दोस्त जो खालिद है ये कैसा है? खालिद चुगलखोर है। हे चाचा, ये कौन जनानी बोल रही है? ये तो बिल्कुल गलत फरमा रही है यार, गलत बयानबाजी कर रही है। कौन जनानी है? अरे जनानी ना आयू, मेरे पोता जो है ना नया फोन लेकर आया हो, बहुत जानकारी है सारी बता दे। हे चाचा, ऐसा कैसा फोन आया दिख लियो? इस पे तो चाचा सेव छपरा, जरा सा सेव खा भी रखा किसी ने? हाँ तो पूरा सेव जो महंगा होएगा, पर भैया यू भी जो पूरा 450 रुपया का आया। हे चाचा, महंगा मसला लो संभालो इसको। चाची बतला रही पथरी कलवाने गए तुम, निकल की पथरी? हम बे लिकड़वादी पथरी कटीराड सुसरी। चलो चाचा बढ़िया रे, खुदा की रहमत सब अच्छे से निपट गया यार। हम बे भैया भगवान की कृपा रही है, बढ़िया होगा काम। अब चाचा अपनी श्री को ये सब बूझो, मुझे काम हिल्ला मिलेगा ना, या मैं बेरोजगार ही घूमूंगा रास्तों में? हाँ तो तू बूझ ले ले, तू का यहाँ का जेठ लग रहा हो या तो ही घूंघट करेगी, अपना बूझ ले ले। ये भी सही फरमा रहे हो चाचा तुम, बहन जी से हम ही पूछ लेंगे इसमें क्या। बहन जी श्री, जरा मुझे ये बतलाइएगा, मुझे कोई काम धंधा लगेगा ना, या मैं ऐसे ही रास्तों में बेरोजगार घूमूंगा? तू कामचोर है, अगर काम करना है तो अपने बगल वाले घर में बेलदारी कर ले। ओहो, तेरे बराबर में घर नो विजय पाल को सिनाई चल दी है, वाके लेटरिंग बाथरूम बनवा रहो, वाकी जाए के सीट जमवाया। चाचा इसको तो सारा ही मसला पता रहे वे यार, मोहल्ले पड़ोस थक्का भी। तुम एक काम करो चाचा, इसे एक दिन के लिए यार मुझे दो जरा। तू बावला था ना, पोता लेकर आया हो यार, तू जाक न लिया? हे चाचा, इतना महंगा फोन लिया जा रहा, 450 रुपए ही ना होते हैं क्या यार? तो यार श्री तो बूझ लेना, कुछ छूट बाट यू करवा देगी। भाई ये सही फरमाया चाचा, तू मन दिखलाओ जरा। श्री बहन जी ये बतलाइए, अगर किसी इंसान के ऊपर पहले से ही 15,000 रुपए का कर्जा हो और फिर भी वो इंसान अपनी औकात से बाहर जाकर लड़े और आधे से ऊ वाला फोन ये जो तुम्हारे अंदर चल रहा इसको खरीदने की हिमाकत करे तो किस तरह सस्ता मिल जाएगा ये? तू रहने दे, ये फोन तेरी औकात से बाहर है, ये फोन 1.5 लाख का आता है। झूठ बोल लिया, ये झूठ बोल लिया, ऐसे होती तो हमारा पोता कहाँ तक लिया था बता? चाचा यही बात मुझे ना भर रही है, 1.5 लाख पुस्ते बिक जाएंगे तुम्हारे यार,
इससे ही पूछता हूँ मैं जरा। श्री बहन जी बुरा मत मानना, लेकिन जरा ये बतलाइए, ये जो फून है अधसऊ वाला, इनो के पोते ने, चाचा श्यामलाल के पोते ने कैसे खरीदा? किडनी बेचकर। क्या फरमा रही है इस बच्चे ने, क्या गुस्ताखी करी है चाचा? खाली जी तो मोई पे पाप होगा, मोई पे गलती लगी हुई था, मैंने ही वहां गलत सलाह दी कि आदमी जो ना अपनी बात रखाने के मारे सोम दोम दंड भेद पता ना कहाँ कहाँ सब चीज लगा देना चाहिए। कोई बात ना चाचा, सिवालो चाचा सिवालो यार। अरे तो यहाँ की उम्र ही कहाँ भी बता, पूरी जिंदगी पड़ी है बता, अभी तो आगे फेरे भी ना पड़े हैं, अभी तो बता किडनी याता तो बड़े मेरी किडनी फेंक देता हूँ। ला ला चाचा ऐसा मत करो यार, क्या समझी हुई है इस बच्चे से यार, छिपा लो कोई बात ना, अल्लाह ताला सब देख रहा सब ठीक करेगा चाचा। बुलैया यार बुलैया, मेरे बाल के पुचकार हुए यार बुलैया। चाचा इस भाव के साथ मत बुलाओ, वैसे हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना, तब बुला रहा हूँ, छिपा लो जरा सीधे हो जाओ। अरे मेरा बच्चा चुप हो जा चाचा, बुलाया बुला, शांत हो जा, खाली तू भी बाबला ही हो रहा। हाँ चाचा बेटा तू ठीक है? हाँ बाबा एकदम बढ़िया, क्यों कहा होगा? बेटा तू कहाँ जोड़ रहे हो? भावुक मत हो चाचा, समझ जाएगा। बेटा तू कहाँ जोड़ रहे हो? तू ना बताएगा तो तेरे बाबा पता ना पड़ेगी, वो सब पता लग गई है। तुम्हें कैसे पता लगी बाबा? मैं भैया अमन यार कितना छिपाओगे, सच छिपता थोड़ी है, इस श्री ने सारी बात बतलाई है हमो। बेटा तेने किडनी बेक का फोन लिया ना? हाँ बाबा बेक दी। अब न्यू और बता एक बेक या दोनों? दोनों ही बेक दी बाबा। अरे पागल क्यों करो तेने ऐसा? बाबा कहा कर तो फिर मैं, मेरी मजबूरी बन गई, तुम्हें पता ना कैसे कैसे वादिन रुचि ने मेरी बेइज्जती करी, फिर तुमने ना सिखाई वादिन मो कि बेटा आदमी अपनी बात रखने को सोम दोम दंड भेद भाव सबको इस्तेमाल करे, बस थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिया मैंने भी भेद भाव को। अरे तो बेकूफ, दोनों किडनी बेकने से पहले न्यूता सोच लेता, तेरे बिगर तेरे बाबा को क्या होएगा? ए चाचा यार संभालो अपने आप को, क्या बावली बात तो कर रहे हो, इसके बगैर तुम्हें क्या लग रहा तुम्हारी फिक्र करने के लिए ना कोई मैं ना बैठा हूं ना यार। बाबा वैसे मेरा क्यों होएगा कुछ? बेटा बिगर किडनी के कैसे जियोगे? अच्छा तो तुम ऐसे ना समझ गए, ऐसे समझ रहे हो। बाबा तुम एक काम करो, एक बार अपना कुर्ता उठा कर देखो तनक। क्यों लग रही है जैसे मेरा ही ऑपरेशन हुआ? हाँ बाबा थारा ऑपरेशन करवाना पड़ो। वो ऐसे क्यों लग रही है जैसे मेरी किडनी लिकड़ी हो? हाँ बाबा तारी लिकड़ी है वे भी दोनों। बाबा तम चढ़ो सिड्डीन पे, विद्या रानी कसम डॉक्टर ने मना करी तुमको, कभी और ज्यादा दिक्कत बन जा। खालिद मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, यह बात का जिक्र मत करियो काई थे, अभी तू जोड़े गांव में चुगलखोर बहुत है, काई ने कह दी नहीं अमराज थे कि श्यामलाल तो बिगर किडनी के जीरो है, यमराज आ जाएगा मेरे टिकट काट लेगा। घबराओ मत चाचा, इधर आओ तुम, बैठो यार, कैसी बात कर रहे हो जाहिल पंती वाली, ना बैठो, मैं क्यों कहने लग रहा हूँ भला यार। ए भाई खालिद, मो पता तो पता और हमारे यहाँ बेकूफ पता कि मेरे किडनी ना,
यमराज थोड़ी पता कि मेरी किडनी ना, जब तक ना पता पड़े आराम तो जीऊंगा। माफ करना श्यामलाल जी, पर मैंने यमराज जी को बता दिया है। अरे भाई तब मैं श्यामलाल कौन है? बहुत आ गए तुम्हारी यहाँ। ओ बढ़िया, मुझे बकस दिया।